विदेशी खाद्य तेल बाजारों में गिरावट का रुख देखने को मिला। जी हां, कारोबारी सप्ताह के पहले दिन विदेशी खाद्य तेल बाजारों में मंदी रही। दरअसल चीन में कोरोना प्रतिबंध जारी रहने से बाजारों में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन की डिमांड में एक-एक भारी कमी आने से सीबोट में कमजोरी देखी गई, इसीलिए उसकी डिमांड का असर मार्केट पर पड़ना स्वाभाविक है। इधर अर्जेंटीना में बारिश के अभाव में सोयाबीन की सोइंग धीमी पड़ी है। जानकारों की माने तो ला नीना इस साल भी फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। सीबोट और चीन में कमजोरी को देखते हुए केएलसी में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं इंडोनेशिया के लेवी पर अनिश्चितता बनी रहने से भी भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। उधर रूस यूक्रेन के बढ़ते तनाव बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। इधर इंदौर के स्थानीय बाजारों में पाइपलाइन खाली होने और वैवाहिक डिमांड का दबाव रहने से सोया तेल के दाम मजबूती पर टिके हुए हैं। सोया तेल इंदौर 1410 से 1415 रुपए, जबकि पाम तेल इंदौर 1090 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। दूसरी ओर सोयाबीन की आवक जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होने से कीमतों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। देश भर में सोयाबीन की आवक 8,30,000 बोरी की रही, इसमें से मध्य प्रदेश में आवक 3,50,000 बोरी की देखने को मिली। उधर इंदौर मंडी में आवक 2,200 बोरी तक सीमित रही। माना जा रहा है कि कमजोर दाम पर अभी किसान सोयाबीन निकाल नहीं रहे। मंडियों में सोयाबीन 4600 से 5800 और एवरेज 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर देखने को मिल रहा है। वहीं सरसों मीडियम 6200 से 6250, तो निमाणी सरसों 6500 से 6600 और रायडा सरसों 6200 से 6300 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।